नमस्कार, आप देख रहे हैं केके टू टाइम्स, मैं हूं श्रीनिधि। कांग्रेस को ईडी तो क्या कोई नहीं दबा सकता, राहुल गांधी। ईडी के जांच के बाद राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी में रहकर उन्होंने संयम सीखा है। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, कांग्रेस के हर नेता ने कांग्रेस से यही सीखा है और ईडी के जांच के समय कांग्रेस के सभी नेताओं ने बहुत पेशेंस से सहयोग दिया है, जिसकी तारीफ करते हुए बात की है कांग्रेस नायक राहुल गांधी ने। ईडी के ऑफिसर बैठे थे, एक बाहर खड़ा था और मैं उनके साथ कमरे में बैठा। पहले दिन 11 बजे पहुंचा, शाम हुई, मैं ज्यादा कुर्सी से नहीं हिला। वो बीच में उड़ जाते थे, चले जाते थे। उनके जो सीनियर ऑफिसर थे उनको इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत थी तो वो निकलते रहते थे, आते थे। तो रात को 10:30 बजे मुझे कहते हैं, राहुल जी एक बात आप हमें बताइए, आप यहां सुबह से बैठे हैं, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं, आप सीधे बैठे रहते हैं और 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं, आप बिल्कुल थके ही नहीं हो। हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके। ये उन्होंने पूछा, आपका सीक्रेट क्या है। मैंने सोचा और मैंने कहा कि इनको सच्ची बात नहीं कहता हूं, दूसरी बात कह देता हूं, दूसरा कारण कह देता हूं मगर मेन बात नहीं कहता हूं। मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, उसमें बैठना पड़ता है तो आदत लग गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 6-7-8-10 घंटे बैठा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, विपासना के बारे में पूछा, मगर सच बात तो मैंने उनको नहीं बताई। आप जानते हो सच बात क्या है? सच बात यह है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं बैठा था, उस कमरे में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता कमरे में बैठा था। आप एक आदमी को थका सकते हो मगर आप कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं थका सकते हो। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता उस कमरे में नहीं थे, उस कमरे में इस सरकार के खिलाफ जो भी बिना डरे लड़ता है वो बैठा था। ठीक है, उन व्यक्तियों को स्पेशल इनविटेशन ईडी ने नहीं दिया मगर उस कमरे के अंदर जो भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं वो सब के सब मेरे साथ बैठे हुए थे। तो थकूंगा कैसे? अच्छा, फिर 3-4-5 दिन हुए, आखिरी दिन कहते, राहुल जी आपने इतनी पेशेंटली सवाल के जवाब दिए, हर सवाल को आपने सुना, आपने जवाब दिया, फिर आपने चेक किया, तो इतनी पेशेंस आप में से आपको कहां से मिल गई? मैंने कहा, भैया ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। वो पहले आपने थकान की बात पूछी, मैंने विपासना बोल दिया, मैं पेशेंस का नहीं कह सकता आपको। आप जानते हो पेशेंस कहां से आई? कह देना था, कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी?
इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए सचिन पायलट जी बैठे हुए, सब बैठे हुए, मैं बैठा हूं। तो ये जो हमारी पार्टी है, संगठन है, सिद्धरमैया जी भी बैठे हुए हैं, रणदीप, सब बैठे हुए हैं, पेशेंटली बैठे हुए हैं, प्यार से बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारी पार्टी है, ये हमें थकने नहीं देती है और ये हमें रोज पेशेंस सिखाती है और इसी से हमें स्ट्रेंथ आती है, इसी से हम लड़ते हैं। उधर पेशेंस की कोई जरूरत नहीं, उधर बस हाथ जोड़ दो, मत्था टेक दो, सच्चाई मत बोलो, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपको लगा होगा कि राहुल गांधी 5 दिन 3-4 ईडी ऑफिसरों के साथ अकेला बैठा है। आप गलतफहमी में हो, आप सब मेरे साथ ईडी ऑफिस में बैठे हुए थे और आपने अपनी शक्ति मुझे दी, इसीलिए ईडी शीडी कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए केके टू टाइम्स।